हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.62। इसमें कह रहा है ए 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पिरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड हैज पीएच इक्वल टू दे रखा है 3.144। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन निकालना है। क्लियर? तो दोस्तों जैसे मान लो कोई वाटर है और उसमें हमने साल्ट डाला, पिरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड डाला। क्लियर हुआ? ठीक है, तो उसका जो वो सॉल्यूशन है उसका पीएच दे रखा है 3.144। ठीक है, अब पिरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड, देखो पिरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड दो चीजों से बनता है, एक तो बनता है पिरिडीन और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पिरिडीन पिरिडीन प्लस एचसीएल, एचसीएल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और पिरिडीन क्या है, वीक बेस है। पिरिडीन एक वीक बेस है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस के कारण सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पीएच कैसे, देखो इसका हाइट, इसका फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू। देखो वीक बेस है ना, तो माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, अब पीएच दे रखा है इसका 3.44, 1/2 पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14 और पी के बी इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस लॉग के बी। क्लियर? तो मैं यहां पे इस पी के बी की वैल्यू की ये पुट कर रहा हूं, माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी, तो 3.44 1/2 14 माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी की वैल्यू, सी कंसंट्रेशन 0.02। क्लियर? अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 8 और ये होगा 3 × 6 और ये हो जाएगा 14 माइनस लॉग के बी और इसकी वैल्यू निकालो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.002 को 2 × 10⁻², है ना? और इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻², है ना? और अब इसकी वैल्यू कैसे, देखो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010 लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989, है ना? और लॉग 6 की वैल्यू भी 0.7181। ठीक है, अब यहां पे लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 0.3010 और इसकी वैल्यू होती है -2, तो इसमें से ये निकला तो क्या बचा 1.7, 6.88, 14 माइनस लॉग, माइनस माइनस प्लस हो गया ना के बी, ये के बी, ठीक है लॉग के बी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.7। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख देता हूं 6.88 इक्वल टू 14 प्लस 1.7 प्लस लॉग के बी, इसको मैं यहां पे लिख दिया हूं। ठीक है, और इसको इधर लेके जाओ तो लॉग के बी इक्वल टू 6.88 माइनस 14 माइनस 1.7, तो लॉग के बी इक्वल टू, इसको सोल्व करो, देखो पहले तो 14 और 1.7 ऐड करो 7 5 और ये 15.7, तो 15.7 में से 6.88 निकालो 0, इसके यहां से ले 2, ये बचा 6, इसके पास मैंने 6 और 2 8, यहां पे बचा 4, इसके पास में भी नहीं गया तो 4 × 4 = 8, 8 पॉइंट माइनस का 8.82 के बी आ गई। ठीक है, अब मैं क्या इसको रब कर दूं। ठीक है, अब लॉग के बी की वैल्यू आ रही है माइनस 8.82, तो के बी इक्वल टू 10⁻⁸. लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यू निकालोगे और वैसे अप्रोक्सीमेटली भी निकाल, कैसे निकाल सकते हो, देखो 8.82 है तो 10⁻⁹, है ना? और 9 में से 8.82 निकालो बाहर 0 0, ये बचा 8, यह 9 1 और 0.18,
ठीक है। अब पॉइंट 18 देखो, यहां पे पॉइंट 18 यहां पे वैल्यू आएगी ना, लोग किसकी, लोग एक्स किस एक्स में, यहां पे क्या पुट करूं कि पॉइंट 18 आ जाए। लोग 2 की वैल्यू होती है पॉइंट 30 10, लोग एक्स की क्या वैल्यू, एक्स क्या रखूं कि पॉइंट 18 आ जाए, मतलब इसका 2 का मतलब थोड़ा सा कम ना, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 1.5 × 10⁻¹⁹। ठीक है,